वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षु उन्मीलितं येना तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्ति शास्त्री का ये क्लास चल रहा है, भगवद गीता अध्याय 18। और कल हमने चर्चा किया था कैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कर्म होता है उसके पांच कारक होते हैं। वेदांता से वो बताते हैं कि शरीर और आत्मा और इंद्रियां और चेष्टा और सबसे मुख्य परमात्मा। परमात्मा ही सब कार्य करते हैं और वो सबसे मुख्य है। तो सही काम हो, उचित हो या अनुचित हो, वो सब इन पांचों कारण से होता है। उचित कार्य मतलब जो शास्त्रों के हिसाब से किया जाए, अनुचित कार्य जो शास्त्रों के विरुद्ध किया जाए। अभी हम आगे पढ़ेंगे। कौन सा है नेक्स्ट श्लोक? 16 हरे हाँ, कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पर हैं। हाँ, 16 से चालू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दंड प्रभु जी प्रणाम। एक मिनट डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक बार ये तामसी और राजसी ये त्याग जो शब्द है कर्म और त्याग में कुछ डिफरेंस है, ये कंफ्यूजन है प्रभु जी। तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और क्या, कर्म त्याग। सात्विक त्याग मतलब त्याग क्या है और कर्म को ही त्याग बोल रहे हैं कि त्याग कैसे, मुझ पर कंफ्यूजन है प्रभु जी इसमें। हाँ, मैं समझ गया। क्या, मैं ये नहीं समझा क्या कंफ्यूजन है। ये त्याग किसको बोलेंगे, तामसी त्याग क्या हुआ? नहीं, त्याग वेरी जनरल मतलब छोड़ना, गिव अप। तो अगर कोई अज्ञानवश छोड़ देता है अपना कर्तव्य, वो तमोगुणी का त्याग है। अगर कोई शरीर के असुविधा के कारण छोड़ देता है अपना कर्तव्य, वो रजोगुण का त्याग है। अगर कोई अपना कर्म अपना कर्तव्य करता है और उसका फल भगवान को देता है, वो भी त्याग कर रहा है, वो सतोगुण का त्याग है। इसको त्याग क्यों बोलेंगे प्रभु जी? क्योंकि वो त्याग कर रहा है, छोड़ रहा है। छोड़ना हो गया ना, मतलब त्याग वो दूसरा वाला त्याग तो नहीं आना जिसमें क्या नाम है आदमी जीव जो है क्या मेरे दिमाग संन्यास? में। अच्छा संन्यास आप क्या आज कहना चाहते हैं? संन्यास का जो संन्यास में जो त्याग है वो एक्चुअल त्याग है, ये तो सिर्फ इंद्रियों और विषयों का त्याग हुआ ना। नहीं, ये कर्म के फल का त्याग हुआ। यही तो हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। यज्ञ दान तपस्या करना ही है हमें, क्योंकि हमारे पास शरीर है। जैसे आप खाना खाना बंद नहीं कर सकते, कितना भी महान सन्यासी हो जाए, खाना खाना बंद नहीं कर सकते। तो भगवान को देना है पहला, उसी तरह कर्म करना बंद नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में त्याग और कर्म एक ही बात हुई? नहीं, कर्म जो हम करते हैं उसका फल प्राप्त होते हैं, वो फल भगवान को देना मतलब त्याग करना।
तो तामसी में कैसे वो अपने कर्म का त्याग, फल कर्म का नहीं, त्याग तो करेगा? वो कर्तव्य ही त्याग कर रहा है, कर्म ही त्याग कर रहा है कि क्यों करूं मैं ये। देखिए, अगर कोई सोचता है कि जॉब जाने की क्या जरूरत, तो बोलेगा भाई जॉब जाओ, आपको परिवार है, परिवार को पालने की जरूरत है। बोला नहीं नहीं ये मेरा कर्तव्य नहीं है, वो मेरे बीवी बच्चे खुद खुद को पालना चाहिए, मैं क्यों पालूं। तो वो अपने कर्तव्य का त्याग कर रहा है, पति के कर्तव्य का त्याग, ये तामसिक त्याग है। अभी एक सोच रहा है कि मैं जॉब जाऊंगा लेकिन मुझे कार चाहिए, नहीं तो नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ट्रेन में या बस में तकलीफ होता है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो शरीर के असुविधा के कारण त्याग कर रहा है, वो काम का त्याग कर रहा है, कर्तव्य का त्याग कर रहा है, ये राजसिक त्याग है। और तीसरा, तकलीफ होने के बावजूद जॉब जाता है और जो पगार आता है वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करता है, वो सात्विक त्याग है। समझे माता जी? हाँ, समझो, कोई माँ बोलेगी आज बहुत गर्मी है मैं किचन में नहीं जाऊंगी, आप लोग अपना 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 खाना देख लो, बच्चों को ऐसे बोलेगी, तो ये राजसिक त्याग है। उसने क्या त्याग किया? अपना कर्तव्य त्याग किया, ये राजसिक त्याग है। लेकिन जो माँ गर्मी है फिर भी खाना बनाती है, नहीं बच्चों को बोलती है पहले कृष्ण खाएंगे बाद में आप लोग खाएंगे, ये सात्विक त्याग है। खाने का जो आखिरी फल है, एक थाली भगवान को खिलाती है। ये त्याग प्रभु जी कर्तव्यों से संबंधित है, अपने कर्तव्यों से संबंधित है प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सात्विक हुआ, ये तो मोड जो भगवान जहाँ पर आ गए तो वो तो तीन मोड से भी परे हुआ ना, तो वो शुद्ध सत्व गुण में हुआ। हाँ, तो जब प्रेम आ जाता है ना तो वो शुद्ध सत्व हो जाता है। अभी सिर्फ ड्यूटी है कि भगवान को खिलाना है, या मालूम है बुद्धि को कि भक्ति करना अच्छी बात है, इससे पाप चला जाएगा। अभी भगवान को प्रेम करते हैं इसके लिए खिलाते हैं, वो और ऊपर है। तो प्रभु जी, जैसे हम 16 माला जप करते हैं तो वो हमें पता है क्योंकि प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 16 माला जप करने चाहिए, इसलिए करते हैं, इसलिए नहीं करते कि हमें मजा आ रहा है, इसलिए नहीं करते, लेकिन हम अपने 2 घंटे को 2 घंटे का त्याग कर रहे हैं, तो वो उस तरह हम समझ सकते हैं कि वो मोड ऑफ गुडनेस में हुआ? नहीं, जब आप भक्ति को 3 गुणों में देखोगे ना, तो ये जो त्याग, श्रद्धा, तपस्या, यज्ञ, दान, 3 गुणों में है, वैसे ही अगर आप भक्ति को 3 गुणों में देखोगे तो वो गेम अलग है, वो ज्ञान अलग, वो पूरा अलग चीज है। समझ रहे हैं? यज्ञ, तपस्या, दान, इसको 3 गुणों में, खाना इसको 3 गुणों में भगवद गीता में बताया गया है, लेकिन भक्ति को अगर 3 गुणों में देखना है ना, तो उसमें व्यक्ति का पर्पस और इंटेंशन भी देखना पड़ता है, भाव भी देखना पड़ता है, तो वो अलग है। और वो कभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर। तो जैसे आपने देखिए, चैंटिंग तमोगुण में चैंटिंग, रजोगुण में चैंटिंग, सतोगुण में चैंटिंग, 3 प्रकार का चैंटिंग है। तमोगुण में क्लास देना या सुनना, सतोगुण में, रजोगुण में कीर्तन लीड करना, आरती करना, भक्ति का हर अंग 3 गुण में होता है, और हमारा जीवन भी 3 गुणों के ऊपर आधारित है, भगवान ने खुद बताया है। लेकिन जब हमारे जीवन का बाकी चीज, भौतिक चीज 3 गुणों के अधीन समझने का प्रयत्न करते हैं हम, और भक्ति को 3 गुणों के अधीन समझने का प्रयत्न करते हैं, ये दो तरीका अलग अलग है, क्योंकि जीवन ऑलरेडी 3 गुणों के अधीन है, तो उसको सिर्फ विभाजन करना है कौन कौन सा गुण में। भक्ति आध्यात्मिक है और भक्ति 3 गुणों में नहीं होता है, तो भक्ति करने वाला 3 गुणों में होता है। तो भक्ति करने वाला किस प्रकार से भक्ति कर रहा है उससे माता चलता है, वो 3 गुण कौन से है, कौन सा 3 गुण में है, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, जो भी है, राइट। तो अगर मैं खाना 3 गुणों में देखूं तो वो भगवान ने बताया है, लेकिन अगर मैं चैंटिंग 3 गुणों में देखूं
वो इस तरीके से नहीं जैसे भगवद्गीता में हम सीख रहे हैं। उसके लिए हमें जो चैंट कर रहा है उसका जो भाव है वो देखना होगा। अगर कोई हिंसक है, ईर्षालु है, गर्व है और वो चैंटिंग कर रहा है, वो चैंटिंग तमोगुणी चैंटिंग है, भले ही वो बहुत ध्यानपूर्वक कर रहा है। अगर कोई इसलिए चैंटिंग कर रहा है कि मुझे कुछ विषय वस्तु से संपर्क होगा, मेरा कुछ नाम होगा, मुझे कुछ दक्षिणा मिलेगा, वो रजोगुण का चैंटिंग है, भले ही वो बैठ कर अच्छी तरीके से चैंटिंग कर रहा है। और अगर कोई इसलिए चैंटिंग कर रहा है कि मेरा दुख निकल जाएगा, मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, मेरा कर्तव्य पूरा हो जाएगा, तो वो रजोगुण का चैंटिंग, सतोगुण का चैंटिंग है। और अगर इसलिए चैंटिंग कर रहा है क्योंकि वो प्रेम करता है कृष्ण को और शुद्ध नाम के प्रति उसका आसक्ति है, रुचि है, तो वो शुद्ध भक्ति है। जैसे मैंने जो बताया कि हमारे गुरु ने हमें बोल रखा है या प्रभुपाद ने हमें बोल रखा है कि सोलह माला करनी है, इसलिए हम कर रहे हैं, तो वो सतोगुण में आ गया, सतोगुण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे ये तो समझ लग गया, जो ये हम त्याग की चर्चा कर रहे हैं, ये हम अपने नियत कर्तव्यों को किस तरह से कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, बट जो संन्यास है वो हम आगे पढ़ेंगे। संन्यास क्या है? संन्यास भगवान ने बताया है कि जो व्यक्ति भौतिक इच्छा को छोड़कर जीवन जीता है, भौतिक इच्छा का त्याग करता है, वो सब कर्मों का त्याग करता है जो भौतिक जीवन, जो भौतिक इच्छा के ऊपर आधारित है, वो संन्यास आश्रम है। और हमने कल पढ़ा कि असली त्याग मतलब जो भी करना कृष्ण के लिए करना, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का ही है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़ो श्लोक। हाँ जी। तत्र एवं सति कर्तारं आत्मनं केवलं कुर्यात् पश्यति आकृत बुद्धिपाता नाशा पश्यति दूरमति। अनुवाद तत्पर श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तु को सही रूप में नहीं देखता है। तात्पर्य तात्पर्य पढ़ेंगे। हाँ जी। यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंदर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो पांच कर्ता बताने के बाद भगवान अभी बता रहे हैं कि जो सोचता है कि वही कर्ता है, आप परमात्मा कर्ता उसके विचार में है ही नहीं, ये ज्ञान, ये बात, सोचता है कि वही वो कर्ता है, तो वो न बुद्धिमान है और न ठीक से दिखाई देता है, वो अंधा आदमी है, अंधा व्यक्ति है, उसका बुद्धि ढक गया है। क्योंकि परमात्मा असली कर्ता है लेकिन उसको ये पता नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं है, तो वो अज्ञानी है, वो बुद्धिहीन है, वो सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ मेरा है और मैं ही भोगता, तो ये अंधकार है, अज्ञान है। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। इसमें बहुत बुद्धिमान लिखा है, इसका मतलब बुद्धिमान तो है वो। इको आ रहा है, इको नहीं होता।
बहुत बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब बुद्धिमान तो है वो। नहीं नहीं हाँ ये तो लिखा है इसमें। नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं है, इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। नो इज नॉट इंटेलिजेंट ऑल्सो। अच्छा ओ मैं जोड़ देता हूं, वो बुद्धिमान नहीं है। अरे कृष्णा प्रभु जी एक मिनट, हुआ नहीं माता जी कैसे आप? अच्छा प्रभु सॉरी। हाँ प्रभु जी ठीक है। आप कह रहे हो ठीक ही हो। हाँ नहीं 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 ये तो अंधविश्वास हुआ। इसमें जो लिखा है वो तो ये। हाँ लेकिन उसका मतलब उसमें इंक्लूडेड है राइट। किसी को प्यार से बात करने के टाइम क्या बोलेंगे हम कि ऐसा क्या गलती करते हैं, आप तो इतना बुद्धिमान नहीं रहे। असली हमको क्या बोलना है, आप मूर्ख है, लेकिन उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए बोलते हैं ज्यादा बुद्धिमान नहीं है आप राइट। किसी ने कुछ गलती किया छोटा मोटा तो हम बोलते हैं ना ज्यादा बुद्धिमान नहीं है आप, तो क्या बोले अच्छा तो मैं कम बुद्धिमान हूँ, बोलने का मतलब है ही नहीं बुद्धि आपको। भगवान गाली भी देते हैं ना, थोड़ा पोलाइटली देते हैं, जैसे देवताओं के वर्शिप जो करते हैं, देवताओं की पूजा, भगवान को अल्प मेधस बोलते हैं राइट। अल्प मेधा सुना होगा ना, अल्प मतलब कम बुद्धि, कम बुद्धि। एक्चुअली भगवान डायरेक्ट मूर्ख बोलना चाहते हैं, लेकिन भगवान बहुत प्रेम से बात करते हैं ना, तो मूर्ख नहीं बोलते, अल्प मेधस, अल्प मेधस। किसी को बोलो अल्प मेधस उसको खुश अच्छा है, मूर्ख बोलो तो अच्छा नहीं लगता है उसको। तो जो फुल्लिश आगे बताए ना, दूरमति, दूरमति, दूरमति मतलब मूर्ख है, फुल्लिश है। ठीक है हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे सोलहवें अध्याय ने बताया कि जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है वो अज्ञानी है, और चौदहवें अध्याय में जो पांच कारण दिए हुए हैं उसमें दिया हुआ है शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार, तो वो यहाँ पे कर्ता का क्या मतलब है चौदहवें अध्याय में, चौदहवें श्लोक में? तो आत्मा, आत्मा है, कोई कोई आचार्य उसको अहंकार के हिसाब से भी लेते हैं, लेकिन पांच है ना, अगर वो आत्मा भी है तो ये सोचता है कि सिर्फ एक है मैं हूं, बाकी चार नहीं है, और एक वो भी है तो बहुत कम परसेंटेज है, ज्यादा परसेंटेज, ज्यादा टक्का परमात्मा का हाथ है इसमें। जैसे टैक्सी वाला, टैक्सी का पैसेंजर बोलता है मेरे कारण टैक्सी चल रही है, मैं नहीं होता तो टैक्सी रुकी रहती थी। सही है आपके कारण टैक्सी चल रही है, लेकिन बाकी भी कारण है जिसके कारण टैक्सी चल रही है। ठीक है कोई प्रश्न? हरे कृष्णा कोई दंड प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मुझे तात्पर्य में लिखा हुआ है कि यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है, और लास्ट में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है, तो जो पहले लाइन में कर्ता लिखा हुआ है और आखिर में जो कर्ता लिखा हुआ है, दोनों कर्ता में क्या फर्क है? हाँ वही ना, स्वयं करता है लेकिन सिर्फ मैं करता हूं, ये गलत है। पांच करता है, जो सोचता है सिर्फ मैं करता हूं, ओनली मी, वो गलत है। ठीक है हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु। ओके नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़ूं मैं? हाँ जी। यस्य न हन्तो मागो बुद्धि यस्य न विद्यते हत्यामि हंसा विमोदो मात्रा हन्ति न विद्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि बद्ध युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा है, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देशन पर विचार नहीं किया था। यही कोई यदि
जाने की कोई परम निर्देशक है तो वह कर्म क्यों करे, लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरण को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक रूप में परमेश्वर को मानता है वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण रूप से प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। चीन में व्यक्तिगत कार्य कला तथा उसके उत्तरदायित्व का उदयवृत्त अहंकार से तथा ईश्वरहीनता या कृष्ण भावना व्यक्ति भाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना व्रत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है वह व्रत करता है वह भी बंद नहीं करता नहीं वह कभी ऐसे बनते कर्म होता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से व्रत करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से व्रत कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। हरे कृष्ण। हाँ तो देखिए ये पूरा जो वेदांत का इतना सारा ज्ञान भगवान बताए हैं तो अर्जुन को वापस मोटिवेट करने के लिए कि आप जो सोच रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना है वो क्यों सही नहीं है। इनफैक्ट भगवान अर्जुन को उल्टा बोलते हैं। अर्जुन सोचता है कि मैं युद्ध करूं तो ठीक नहीं है, भगवान बोलते हैं आप युद्ध नहीं करोगा करेंगे तो ठीक नहीं है, ये आपका अहंकार है, मिथ्या अहंकार कि आप सोचते हैं कि मैं ही हूँ निर्णय लेने वाला और मैं अच्छा व्यक्ति हूँ अच्छा निर्णय लूँगा कि मैं युद्ध नहीं करूँ। तो भगवान कहते हैं ये मिथ्या अहंकार है। तो जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं होता, जिसका बुद्धि सतोगुण में होता है, बंधा नहीं होता, वो अगर किसी को मारता भी है तो वो नहीं मारता, वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता। तो कर्म के बंधन में नहीं फंसता क्योंकि वो परमात्मा के बताए अनुसार कार्य करता है। जैसे मैंने कल कहा कि लिफ्ट लेने से आपको बिल भरना नहीं पड़ता। तो जो परमात्मा का मिशन है, जो कृष्णा का मिशन है, उसी को वो भाग उसी में वो भाग लेता है तो वो फंसता नहीं है। तो अर्जुन सोच रहा है कि मैं युद्ध करूं ये ठीक नहीं है। तो अभी भगवान उसको कह रहे हैं कि आप युद्ध नहीं करो ये ठीक नहीं है, ये आपका मिथ्या अहंकार है क्योंकि आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपके ऊपर मैं हूं, उसके मेरे कार्य को मेरे मिशन को पालन करना ही हर एक का धर्म है। तो जब भगवान कार्य को पालन मिशन को कोई उद्देश्य बताते हैं तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान का जब सैंक्शन है, जैसे हम सुबह उठकर दंडवत प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं या अगरबत्ती ऑफर करते हैं, फूल ऑफर करते हैं, तो बिल्कुल मन में विचार नहीं आता ये अगरबत्ती ऑफर करूँ क्या नहीं, ये धुआँ अच्छा है क्या नहीं डीटी के लिए, या ये फूल ऑफर करूँ क्या नहीं, इनको पसंद आएगा क्या नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी भगवान ने सैंक्शन दिया है कि आप मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ऑफर करो मुझे पसंद है, ऑलरेडी हमें सैंक्शन हो चुका है तो हम करते हैं। मन में संशय नहीं आता है कि भगवान की आरती करना है कि नहीं, दंडवत प्रणाम करना है कि नहीं। तो भगवान ने ऑलरेडी सैंक्शन दिया है कि माता को बच्चों को पालना है, उनको दूध पिलाना है, उनको खाना खिलाना है, टीचर को ज्ञान देना है, ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगना है, सन्यासी को प्रचार करना है, गृहस्थ आश्रम में घर में रहकर भक्ति करना है, ये सब ऑलरेडी भगवान ने सैंक्शन दिया है तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो जो भगवान के सैंक्शन से भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करता है वो उस कर्म में बंधता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सैनिक अपने सेनापति के आज्ञा से जब खून करता है किसी दुश्मन का तो उसको कोई जज नहीं पास जज बोलता नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हो, उसको कोई गलत काम नहीं कहता है, सही गलत का पहचान नहीं होता है। लेकिन अगर अपने मर्जी से करता है तो वो सही गलत है। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें एक लाइन थी वो लिखी हुई है कि यदि कोई या ना जाने की कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे, इसमें क्या कहना चाहते हैं? कहाँ कहाँ वापिस? तात्पर्य में लिखा हुआ है फिफ्थ लाइन पर, यदि कोई यह ना जाने की कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे,
परम निर्देश नहीं है, कर्म तो करता ही रहता है बंदा, सही गलत जो भी कर रहा है। एक मिनट, उसके पहले का पढ़िए, हिंग मेरे पास इंग्लिश किताब है। पहले पहले ये लिखा हुआ है, अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। इंग्लिश ठीक, इंग्लिश में क्या लिखा है? In this verse, the Lord informs Arjuna that a desire not to fight arises from false ego. Arjuna thought himself to be the doer of action, but he did not consider the supreme sanction within and without. If one does not know that a super sanction is there, why should he act? But one who knows the instruments of work, himself as the worker, and the Supreme Lord as Supreme Sanctioner, is perfect in doing everything. Such a person is never in illusion. तो अगर किसी को बिल्कुल ज्ञान नहीं है कार्य की परमिशन के बारे में कि परमात्मा ने कुछ बताया है, जिसको होना चाहिए कि मालिक ने अभी तक सैंक्शन नहीं दिया है, तो आदमी काम कैसे करे? अभी तक कमांडर ने ऑर्डर नहीं दिया है तो वो सिपाही युद्ध कैसे करें, हालांकि उसके सामने युद्ध का माहौल है। ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है, रेटोरिकल क्वेश्चन, मतलब कि ऐसा नहीं कि उसका उत्तर मांगा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि जैसे हम पूछते हैं ना कि भगवान ने पूतना को इतना कृपा दिया, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान का कृपा भगवान के समर्पण नहीं होगा या भगवान की सेवा नहीं करेगा। इसका मतलब बोलना है कि इतने कृपालु है कि उनकी सेवा करना चाहिए, राइट? तो जब ऐसे रेटोरिकल क्वेश्चन, मतलब एक बात बताने के लिए बताया गया है कि जब मालूम ही नहीं कि आज्ञा मिला है क्या नहीं मालिक से, तो सेवा काम कैसे करेगा? तो जब तक सुपर सैंक्शन है ही नहीं, सुपर सोल का सैंक्शन नहीं है, तो काम कैसे करेगा? लेकिन नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं हाँ हाँ नहीं नहीं ये उनकी बात नहीं चालू है, ये उनकी बात नहीं चालू है, ये उनकी बात चालू है जिनको ज्ञान है कि पांच कर्ता होते हैं, राइट? और पांच कर्ता में एक परमात्मा है, अभी परमात्मा का सैंक्शन नहीं आया तो आदमी क्यों कार्य करेगा? गॉट इट। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पर अर्जुन ने तो ये है कि अर्जुन का तो एग्जांपल प्रभुपाद ने दे दिया कि अर्जुन थॉट हिमसेल्फ टू बी द डूअर ऑफ एक्शन, पर दुर्योधन भी तो फिर दुर्योधन ने भी अपने आप को डूअर समझा, तो फिर वहां दुर्योधन गलत कैसे हो गया? क्योंकि दुर्योधन, देखिए ये सिर्फ गलत और सही की बात नहीं चल रही है, धर्म और अधर्म की बात नहीं चल रही है, गलत हो सही हो दोनों के कर्ता पांच ही हैं। अर्जुन जो युद्ध छोड़ने का बात कर रहा है वो गलत माना जा रहा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं युद्ध हो। दुर्योधन अधर्म इसलिए है क्योंकि वो धर्म के खिलाफ है, वो वैष्णव से ईर्ष्या रखता है, कृष्ण का भक्त नहीं है, असुर है, कृष्ण को मारना चाहता है, राज्य हड़पना चाहता है, वो गलती उसकी है। देखिए जैसे मैंने कल कहा कि टैक्सी चलाने वाला आप नहीं है, टैक्सी भी आपकी नहीं है, स्टीयरिंग व्हील भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जब आप टैक्सी में बैठकर इच्छा रखते हो एयरपोर्ट जाने का, तो बिल आपको भरना पड़ता है। लेकिन अगर टैक्सी कहीं जा रही है, या कार, टैक्सी नहीं, कार कहीं जा रही है और आप लिफ्ट मांगते हो उसी स्थान पे जाने के लिए और आदर से बैठे रहते हो, तो आपको कोई बिल नहीं भरना पड़ता, राइट? तो अभी भगवान चाहते हैं युद्ध हो, भगवान चाहते हैं धर्म का स्थापना हो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता। तो अर्जुन इस शरीर का उपयोग कर रहा है धर्म के खिलाफ, ये एयरपोर्ट जाना हुआ, राइट?
और भगवान चाहते हैं अर्जुन धर्म के साथ रहे, ये लिफ्ट लेना होगा, इसके लिए दुर्योधन को बिल भरना पड़ेगा क्योंकि उसकी इच्छा धर्म के विरुद्ध है। और अर्जुन को बिल नहीं भरना पड़ेगा, वो मारेगा तो भी, क्योंकि उसकी इच्छा धर्म के साथ है, राइट। तो कर्ता जो है, पांच कर्ता है, लेकिन जीव का जो भी भाग है उसमें उसका उस गैर जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी तो है, लेकिन जब उसने अपना भाग भगवान के विरुद्ध कर दिया तो उसको फल मिलता है, लेकिन अपना भाग उसने भगवान के साथ सिंक कर दिया तो उसको कोई फल नहीं मिलता। समझ रहे हैं? अभी पानी बह रहा है और उसके साथ आप बह रहे हो तो कुछ मेहनत नहीं लगेगा आपको, बस बैठे रहो, लेकिन उल्टा जाना है तो आपको मेहनत लगेगा, एनर्जी स्पेंड होगा। तो उसी तरह भगवान के उल्टा जाना है तो हमको खर्चा करना पड़ेगा। तो वो जो कर्ता का जिम्मेदारी है वो बंद नहीं हुआ है, और वो भी तीनों गुणों के अधीन है, दुर्योधन तमोगुण में है। धीरज, और उसे बड़ी बात बताता हूं मैं, जो फल है ना उसका, दुर्योधन का या पाप का फल, वो आत्मा को नहीं जाता है, वो शरीर को जाता है। आत्मा को यमराज या यमदूत यातना नहीं देते हैं। तो अगर कोई पाप, अगर कोई पाप भी करता है तो फल आत्मा को नहीं लगता है, फल शरीर को लगता है। आत्मा शरीर से आसक्त होता है इसलिए आत्मा को तकलीफ होता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, अगला पढ़े। हाँ जी। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोधुना कारणम कर्म कृता इति त्रिविध कर्म सत संग संग्रह। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां करण कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक हैं। तात्पर्य, दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण करण स्वयं कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के शुरू में वास्तविक बनता होता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से जिसमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो अभी इसी वेदांत से देखिए, वेदांत में कर्म कांड और ज्ञान कांड के भी भाग है, जिसमें यही बात समझाते हैं कि कर्म करने वाले जो हैं वो आप नहीं हो, इसके यू आर नॉट द ओनली डूअर, आप सिर्फ कर्ता नहीं हो, इसके और भी कर्ता है, ताकि जो कर्म कांड या यज्ञ करता है वो धीरे धीरे ज्ञान कांड में आ जाए, त्याग की तरफ आ जाए। ये कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड वेदों में है, ताकि मनुष्य इसको करने के बाद भी आगे बढ़े, आध्यात्मिक उन्नति करे। तो उसमें ये सब शब्द इस्तेमाल होते हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञानता कर्म चोदना कर्म संग्रह कर्णनम कर्म करते कर्ता। तो उसमें भी बताया गया है कि जो प्रेरणा होता है, कर्म करने का प्रेरणा होता है, वो तीन होता है, ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता। जो ज्ञान है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, जो ज्ञेय है आत्मा, और जो परिज्ञाता है वो सेल्फ, खुद मैं। तो कोई भी कार्य करने के पहले उसके लिए एक प्रेरणा होती है, उसके लिए एक आइडिया होती है, मन में विचारधारा होती है। तो ये तीन वो प्रेरणा प्राप्त देते हैं। और कर्म संग्रह मतलब काम,
जो पूरा कर्म है उसका पूरा संग्रह है वो तीन है, कर्णम इंद्रियां, कर्म जो एक्चुअल कार्य है, और कर्ता। और ये कर्ता पांच है जो हमने पहले डिस्कस किए। तो भगवान ये इसलिए बता रहे हैं वेदांत से कि हम समझें कि त्याग तो करना ही है, क्योंकि हम कर्ता नहीं है, सिर्फ हम कर्ता नहीं है। जो यज्ञ वगैरह होते हैं उसमें भी बताते हैं कि सिर्फ हम कर्ता नहीं है, बाकी भी कर्ता है, इसलिए सिर्फ हमारा फल नहीं है। जब व्यक्ति को लगता है मिथ्या अहंकार के कारण कि मैं करता हूँ, तो वो लगता है, उसको लगता है कि फल का मालिक मैं हूँ, पूरे फल का मालिक मैं हूँ, वो त्याग नहीं करता। लेकिन जब व्यक्ति समझता है कि सिर्फ मैं करता नहीं हूँ, मेरा बहुत छोटा सा भाग है इसमें, तो फल भी पूरा उठाने की इच्छा नहीं रखता उसका, वो फल त्याग कर देता है, और इसी से वो त्याग की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये वेदांत सूत्रा में जो कई कई पन्ने हैं टेक्निकल, वो थोड़ा सा भगवान ने इधर बताया है, और इसी को आगे विस्तार करने के लिए भगवान बताएंगे कि ये जो ज्ञान है, ये जो परिज्ञाता है, और ये जो कर्म है, ये तीनों भी तीन गुणों में आते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हाँ जी, ये जो एक लाइन लिखी है ना, किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, उसका क्या है? मतलब कोई कर्म करने के पहले उस कर्म का सूक्ष्म आइडिया जो होता है कि क्या करना है, वो हमारे मन में आ जाता है पहले। जैसे आप खीर बनाने चाहते हैं, तो खीर बनाने के पहले, किचन में जाकर खीर बनाने के पहले मन में खीर बनता है क्या? नहीं। हाँ, जैसे कोई दुल्हन शादी के लिए सजती है, तो एक्चुअली सजना चालू करे, कपड़े और गहना चालू करे, उसके पहले उसके मन में आप उसकी छवि बन जाती है कि मैं इतनी सुंदर दिखूंगी। यज्ञ करने के पहले ही बन जाता है कि ये करना है, तो वो सीड फॉर्म मन में आ जाता है प्रेरणा के रूप में। नेक्स्ट और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु, जैसे कि हमने कर्म करने के तीन कारण जो बताए हैं, ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान ज्ञेयम तथा ज्ञाता, तो ज्ञान तो ये हो गया कि मैं आत्मा नहीं हूँ, और ये कि मैं आत्मा हूँ, और ज्ञाता मतलब क्या हुआ प्रभु जी? नहीं नहीं, ज्ञान की मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ज्ञेय मतलब आत्मा, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, किसके बारे में ज्ञान है, जानने योग्य विषय वस्तु, सब्जेक्ट, और नोअर मतलब खुद मैं जो आत्मा है। तो इधर ज्ञेय और प्रज्ञाता सेम है। अभी समझो कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, एक्चुअली वो इधर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान फिजिक्स तो तमोगुण ही है। तो अगर कोई मैथ फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई स्कूल में विषय पढ़ रहा है, वो तो जो पढ़ रहा है वो ज्ञान, और जो क्यों पढ़ रहा है, जानने योग्य कि ब्रह्मांड को जानना है मुझे, या ब्रह्मांड के नियम जानना है, लॉ ऑफ नेचर जानना है, प्रकृति जानना है, वो ज्ञेय, और पढ़ने वाला परिज्ञाता। ठीक है, और कोई प्रश्न? ये टेक्निकल है, किसी को बहुत डिटेल्स में इसको जानना है तो वेदांत सूत्र के बहुत सारे श्लोक हैं जिसको भगवान कृष्ण ने छोटा करके बताया है। तो बलदेव विद्याभूषण का वेदांत सूत्र के ऊपर टीका है, वो पढ़ सकते हैं। कर्म का उपकरण करण, ये इसका क्या मतलब हुआ प्रभु? वापिस बोलिए। जैसे ये तात्पर्य की, जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, दैनिक कार्य के तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान ये तथा ज्ञाता, कर्म का उपकरण। हाँ, उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट, टूल।
इंद्रियां, इंस्ट्रूमेंट मतलब इंद्रियां, कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं। ओके थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें एक लाइन मेंशन है, किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म में वास्तविक बनता है। तो कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल वही ना कि कर्म एक्चुअल करने के पहले मन में पहले उस कर्म का रूप आ जाता है कि क्या करना है, बाद में हम कर्म करते हैं, पहले मन में विचार पहले मन में विचार आता है। उसका फल कैसे मिल जाता है? सूक्ष्म रूप फल कैसे? नहीं नहीं वही वही उसका वही फल है। अभी समझो कोई समस्या है, उसका हल करना है, तो पहले वो हल मन में आएगा ना कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, फिर आदमी कर्म करेगा, कर्म संग्रह में उसको फिर उसका असली फल मिलेगा कि वो डॉक्टर के पास जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं तो वापस पढ़िए वो स्टेटमेंट। मैं पूरा पढ़ देता हूँ, उसके आगे की भी एक लाइन पढ़ता हूँ। हाँ। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म में वास्तविक बनता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। हाँ, तो वो फल नहीं है, वो कर्म का फल नहीं है, उस जो हम कर रहे हैं ना उसको फल बताया गया है इधर। कर्म का फल इधर, कर्म करने का उद्देश्य है हमारा, उसको फल बताया गया है इधर। तो जो आप कर्म करना चाहते हैं, करने के पहले वो सूक्ष्म रूप से पहले आपके सटल बॉडी में रहेगा, आप उसके बारे में सोचेंगे, फिर आप वो कार्य करेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सेकेंड लाइन जो है इस तात्पर्य में, कर्म का उपकरण करण स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक कहा जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम जिस चीज जो कोई काम करते हैं उसके लिए जो चीज का जो अप्लाई करते हैं, अपना सेंस अप्लाई करेंगे या कोई सामान यूज करेंगे, और उसके द्वारा किया गया कार्य और स्वयं तीनों मिलकर के कर्म है, जिसको कर्म संग्रह। कर्म संग्रह मतलब accumulation. Accumulation is... हाँ, क्या है? तीन है, एक करण जो इंद्रियां है उसमें सूक्ष्म इंद्रियां भी है, और एक एक्चुअल काम जो किया, और जो कर्ता करने वाला, तो ये कर्म संग्रह है। तीन तीन घटक हो गए इसके। हाँ, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन तीन। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो, तात्पर्य तात्पर्य। 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सत्वगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिक तथा तमोगुण आदर्श तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं है, यहाँ तक कि सत्वगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। हाँ, तो अभी भगवान बताने वाले हैं ज्ञान सतोगुण रजोगुण तमोगुण में, कर्म
सतोगुण रजोगुण तमोगुण में, और कर्ता सतोगुण रजोगुण तमोगुण में। तो पिछले अध्याय में, 14वें अध्याय में भगवान ने बताया कि सतोगुण में जो व्यक्ति रहता है वो ज्ञान की ओर अग्रसर करता है, सही गलत का पहचान रहता है उसको। रजोगुण में जो रहता है वो भौतिक इच्छा से प्रेरित होता है, इंद्र तृप्ति में रहता है, और तमोगुण में जो रहता है वो सुस्त रहता है, पागल रहता है, सोते रहता है। तो ये तीनों गुण फंसाते हैं हमको, बंधन में डालते हैं। रजोगुण तमोगुण तो बंधन में डालते ही हैं, सतोगुण में डालते हैं, सोने की चेन है वो। तो ये मालूम होना चाहिए तो ही हम इनसे बाहर निकल पाएंगे। तो हमने पिछले इसमें देखा श्रद्धा के तीनों गुणों में, और दान तीनों गुणों में, खाना तीनों गुणों में, ताकि हम ये ज्ञान का इस्तेमाल करके अपना जीवन शैली चुने, अपना लाइफस्टाइल चुने। तो उसी तरह भी ज्ञान भी तीनों गुणों में है, कर्म भी तीनों गुणों में, कर्ता भी तीनों गुणों में। तो ये हम अभी अगले श्लोकों में देखेंगे, ठीक है जी? ज्ञान जी, हाँ, ज्ञान कर्म तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट कर्ता समझ में, कर्ता तीन गुणों में, कर्ता कौन सा तीन? कर्ता तो एक ही होता है, तो टेम टू टेम नहीं, नहीं। कर्ता एक ही हो, इधर पांच कर्ता हमने सीखे हैं, उसमें से जो पांच कर्ता सीखे, पांच कोई कर, पांच कारक या कर्ता सीखे, पांच काम कर, पांच कारक होते हैं। हाँ, पांच कारण कर्म के, उसमें एक जो कर्ता है वो कर्ता भी तीन गुणों में है, तमोगुण में है, रजोगुण में, सतोगुण में है। वो व्यक्ति वो तीन गुणों में, और फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो थोड़ा वेट करो, आगे पढ़ने दो, समझ में आ जाएगा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। काम करने वाला, एक ही काम तीन व्यक्ति अलग तरीके से करते हैं ना। बच्चों को डांटना है, सुधारना है, कोई जोर से बात करके मार के डांटता है, कोई प्यार से बैठ के समझा के डांटता है, कोई ज्ञान देता है पहले से ही, डिसिप्लिन करता है उनको। एक ही काम अलग अलग प्रकार से किया जाता है ना। जैसे खाना तीन गुण में है तो खाना बनाने वाला भी तीन गुण में है ना। राइट? यस। खाना बनाने वाला तो एक नहीं है ना, अलग अलग है ना। कोई सात्विक खाना बनाएगा लेकिन किचन को इतना गंदा कर देगा कि किचन में जाने की इच्छा नहीं होगी आपकी, लेकिन बना रहा है अच्छा सलाद, सलाद बना रहा है, वो तो तमोगुण ही है ना, किचन तमोगुण ही है, भले ही खाना वो सात्विक बना रहा है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक तात्पर्य। तात्पर्य, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। जैसा कि सातवें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही विनाश जो आपसे वह शरीर के कारण है। चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप है, अतएव जीव शक्ति विभक्त होती है। ऐसा निराकार ज्ञान
आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। हाँ, तो भगवान पहली बात बताते हैं कि सतोगुण में ज्ञान मतलब पंडित समदर्शिना, हर जीव में ब्रह्म को देखना या आत्मा को देखना, कि भले ही मैं पक्षी देख रहा हूँ, पेड़ देख रहा हूँ, सांप देख रहा हूँ, कीड़ा देख रहा हूँ, जानवर देख रहा हूँ, इंसान देख रहा हूँ, देवता देख रहा हूँ, पुरुष देख रहा हूँ, स्त्री देख रहा हूँ, दोस्त देख रहा हूँ, दुश्मन देख रहा हूँ, पत्नी देखता हूँ, बच्चे देखता हूँ, पड़ोसी देखता हूँ, इन सब में सेम आत्मा है। बाहर का शरीर विविधता है, फर्क है, लेकिन आत्मा वही है और ये आत्मा कृष्ण का अंश है। तो शरीर के ऊपर उठकर उस आत्मा को देखना वो सतोगुण का ज्ञान है, कि शरीर तो मर जाएगा लेकिन आत्मा अमर है, हमेशा रहती है। जो फर्क दिखता है वो शरीर के कारण दिखता है, आत्मा में फर्क नहीं है। आत्मा सच्चिदानंद है, शरीर है पतला मोटा लंबा और काला सफेद, जवान बूढ़ा, भारतीय विदेशी या ब्रह्मचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या मालिक नौकर, ये शरीर है। आत्मा तो बस भगवान का अंश है। तो ये सात्विक ज्ञान, सतोगुण में ज्ञान, पंडित समदर्शिना, ठीक है। कोई प्रश्न? कृष्ण प्रभु, इसमें एक लास्ट लाइन में निराकार ज्ञान, इसका क्या मतलब? मतलब हर जगह, मतलब अभी तक सिर्फ ये इतना ही बात हुआ है ना, दिव्य ज्ञान की बात नहीं हुआ है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, सिर्फ बात हुआ है कि हम आत्मा है, राइट? अभी तक ये बात नहीं हुआ है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, अभी सिर्फ इतना ही पता चला है इस ज्ञान में कि मैं आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, सब लोग आत्मा है। तो ये अभी तक निराकार ज्ञान है, ठीक है। आत्म साक्षात्कार के लिए निराकारवादी और भक्ति दोनों का बेसिक नॉलेज सेम है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, हम सब आत्माएं हैं। तो ये आत्म साक्षात्कार का एक स्टेप है, एक पहलू है, ठीक है। और जो भक्ति है उसके लिए भी ये ज्ञान है, लेकिन भक्ति में एक बात और है कि ये जो आत्मा है हर शरीर के अंदर वो कृष्ण का अंश है और कृष्ण स्वयं भगवान है, तो वो दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये ज्ञान मार्ग के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, एक डाउट था, मतलब इससे रिलेटेड नहीं था थोड़ा, लेकिन इसी से रिलेटेड भी है इस तरीके से। उसमें यह है कि जैसे सब जीवों में आत्मा भी है, परमात्मा भी साथ साथ रहते हैं, तो मृत्यु के बाद जब आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर से निकल जाते हैं और सूक्ष्म शरीर में एक से दूसरे देह में ट्रांसफर होते हैं, तो उस सब भी क्या परमात्मा साथ में रहते हैं या जब देह में पहुंच जाते हैं तब परमात्मा आते हैं? परमात्मा साथ में रहते हैं, परमात्मा, हाँ, आत्मा और परमात्मा साथ में रहते हैं भौतिक दुनिया। परमात्मा नहीं हो तो वो ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ड्राइवर तो परमात्मा है। सभी प्रभु, सूक्ष्म शरीर में भी आत्मा परमात्मा रहते हैं? हाँ हाँ, हमेशा। हरे कृष्ण, एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जीव ट्रांसफर होता है तो, और जैसे वो नरक में जाते हैं कहीं और जाते, तो उसके मतलब कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है, जो भी से सही या गलत, तो उस फल होने के टाइम में भी आत्मा परमात्मा एग्जिस्ट रहता है, मौजूद रहता है। हाँ, आत्मा नहीं होगा तो फिर वो कैसे होगा? कष्ट शरीर को होता है, आत्मा को होता है? कष्ट शरीर को होता है, लेकिन आत्मा आसक्त रहता है, इसलिए आत्मा को भी तकलीफ होता है। फिर परमात्मा के क्या रोल होता है? हाँ,
परमात्मा का क्या रोल होता है उस टाइम में? परमात्मा होता है इसलिए तो ये सब होता है, उपदृष्टा अनुमंता च वर्ता भोक्ता महेश्वर। परमात्मा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। परमात्मा फिर भी संभालता है ना, ठीक है? एक ही परमात्मा हर जगह हर रूप में हर क्षण हर परिस्थिति में मतलब मौजूद है। हाँ, ऑल परवेडिंग वासुदेवम सर्वमिति, हर जगह पे। वो सोफा सोफा पे बैठे ना, वो सोफा में भी परमात्मा है। वो चश्मा जो पहना है उसमें परमात्मा है। वो दीवार है उसमें परमात्मा है। ऊपर जो पंखा है उसमें परमात्मा है। वो जो हृदय है उसमें परमात्मा है। वो जो टेबल है उसमें परमात्मा है। हर जगह में परमात्मा है। हम चलते हैं परमात्मा के ऊपर, बैठते हैं परमात्मा के ऊपर, थूकते हैं परमात्मा के ऊपर। और एक तरह से गलत नहीं है फिर ये? माँ के गोदी में बच्चा बच्चा कुछ भी करता है, पेशाब करता है, ये करता है, माँ को बुरा नहीं लगता। तो उसी तरह परमात्मा हमारे माता पिता है, हम उनके गोदी में बहुत कुछ करते हैं, उनको बुरा नहीं लगता, वो हमको प्रेम करते हैं ना। तो फिर प्रभु जी, जब हम मंदिर वगैरह जब सत्संग वगैरह होता है, तो प्यार को अपने ढक के रखो, अपने कपड़े से धोती से जल्दी हम बैठते हैं तो धोती से पूरा उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो एटिकेट। हाँ, भगवान हर जगह पे है, लेकिन जो भगवान भगवान मूर्ति के रूप नहीं, नहीं सुनिए, भगवान हर जगह पे हैं। भगवान ने हमको बिना कपड़े के भी देखा है, अंदर ही है हमारे, लेकिन इसका थोड़ी बिना कपड़े मंदिर में जाए। एक एटिकेट होता है एक समाज में, लोगों के सामने, भक्तों के सामने और डीटी के सामने एक एटिकेट होता है। उसी से तो रिस्पेक्ट होता है और उसी रिस्पेक्ट से तो प्रेम बढ़ता है। तो एटिकेट है कि अपना गंदा पैर बड़ों को नहीं दिखाना चाहिए। तो माता पिता हमारे गंदा पैर देखते हैं जब हम छोटे होते हैं, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें थोड़ा एटिकेट होना चाहिए ना माता पिता के प्रति, कि अभी तो सिविलाइज्ड व्यक्ति बनो, राइट? तो बचपन में माता पिता के गोदी में पेशाब करते थे तो अभी भी थोड़ी करेंगे, अभी तो थोड़े बड़े हो गए ना, कि अभी तो सुधार करो। तो एक एटिकेट होता है, डीटी केस में। और बाय चांस पैर दिखा भी दिया तो ऐसे थोड़ी आपको भगवान मारने वाले, सजा देने वाले हैं, राइट? अनइंटेंसली दिख गया तो ठीक है, भगवान माफ कर दे। हां, ये अनइंटेंसली हो गया ना प्रभु जी, इसलिए होना चाहिए। तो जानबूझ के भगवान का ये अपमान नहीं करना चाहिए। हो गया तो फिर कोई बात नहीं, राइट? ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, हरे कृष्ण। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा ना रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर से कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है या कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। हाँ, तो ये भौतिक ज्ञान है जो आजकल स्कूल में सिखाते हैं कि आत्मा नहीं है, सब लोग अलग अलग शरीर हैं और उसके हिसाब से हमें सब लोगों को देखना है कि
शरीर खत्म हो जाता है तो जीवन खत्म हो गया। ये रजोगुण का ज्ञान है कि हर व्यक्ति शरीर शरीर है और अलग अलग है, और जो चेतना है वो बस शारीरिक है, भौतिक है, केमिकल्स है या जड़ पदार्थ है, और मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाएगा, कोई आत्मा या परमात्मा की बात नहीं है। तो ये जो है ये एक्चुअली अज्ञान है, लेकिन ये रजोगुण वाला ज्ञान है। इसमें आजकल के जो भी मॉडर्न थ्योरी आते हैं, केमिकल थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ये सब कि सब कुछ जड़ पदार्थ है, स्पिरिट कुछ भी नहीं है, स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं है, सब मटेरियल है, वो सब इसमें आता है। तो इसमें द्वेष होता है, भेदभाव होता है, और दोस्त दुश्मन का व्यवहार होता है, अपना पराया, मैं तेरा, मेरा तेरा, आई मी आक और मैं, यू एंड मी, ये सब होता है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। जो 18.20 है कि वो सभी में वो सेम आत्मा देखता है, हमने पहले सीखा था तीन तरह के भक्त होते हैं, एक कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उन्नत अधिकारी, तो या उच्च अधिकारी बोलते हैं शायद। तो जो उच्च अधिकारी होते हैं वो भी पंडिता उत्तम अधिकारी भी वो पंडिता समदर्शिना होते हैं। वो 18.20 में वैसा ही लग रहा था, नॉलेज बाय विच वन अनडिवाइडेड स्पिरिचुअल नेचर इज सीन इन ऑल लिविंग एंटिटी। तो उत्तम अधिकारी भी सभी में एक ही आत्मा देखता है, पंडिता समदर्शिना। और उसके बाद जो मध्यम अधिकारी होता है वो डिस्क्रिमिनेट करता है, वो भक्तों में भी डिस्क्रिमिनेट करता है, अभक्तों में डिस्क्रिमिनेट करता है। इवन वो किस तरह का उत्तम अधिकारी है या मध्यम अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी है, उसमें भी डिस्क्रिमिनेट करता है। और 18.21 में वो ऐसा लिखा है कि यू शुड अंडरस्टैंड टू बी इन द मोड ऑफ पैशन। तो वो अगर वो मध्यम अधिकारी है तो भक्त वो मोड ऑफ पैशन में कैसे हो गया? नहीं नहीं, ये जो दोनों है, तीनों है, ये उत्तम मध्यम अधिकारी नहीं है, ये सब ज्ञान है। अभी तक तो इसमें वैष्णव आया ही नहीं। वो वैष्णव के तीन कैटेगरी हैं, ये ज्ञान प्रभु जी गुण तो वैष्णव का ही है, उनका जो नहीं नहीं, उत्तम अधिकारी सबको आत्मा देखता है, सबको कृष्ण का अंश देखता है और सबको भक्त देखता है। मध्यम अधिकारी भगवान को देखता है, भक्तों को देखता है, मासूम लोगों को देखता है और ईर्ष्यालु लोगों को देखता है। ये जो बात चल रहा है ये ज्ञान का बात चल रहा है कि कौन सा ज्ञान कौन से गुण में है, ये तो सब ज्ञान ही है, ये तो भक्त नहीं है। अभी तक कृष्ण का इसमें परमात्मा एडिशन ही नहीं हुआ, तो ये सिर्फ सबको आत्मा देख रहा है कि सब लोग स्पिरिचुअल है। और 21 में बताया है कि ये सबको शरीर देखता है कि सब लोग शरीर हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सफ़ेद है, कोई काला है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है। ये मध्यम अधिकारी नहीं है 21 वाला। ये तीनों जो है ज्ञान के गुण है, ये तीन वैष्णव नहीं है। ये फर्क समझ रहे हैं आप? यस प्रभु। वो जो बोल आप जो बोल रहे हैं वो तीन वैष्णव के कैटेगरीज है, ये तीन ज्ञान के कैटेगरीज है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें मुझे लग रही हैं, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। एक तरफ लिखा हुआ है कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसमें रजोगुण में तो ये मानता है कि इस शरीर के मतलब कोई परमात्मा नहीं है, तो उसके पहले जो ये लिखा है कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा होती है, तो ज्ञान की चीज लिखी हुई है, तो ये रजोगुण में क्यों मेंशन किया गया इस चीज़? नहीं नहीं, ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा सोचता है या कोई ऐसा सोचता है। कोई सोचता है कि ये सब शरीर है, आत्मा नहीं है,
एक आत्मा है पूरा, मतलब सब भगवान है, एक आत्मा है। कोई सोचता है कि इस शरीर के बिना अलावा और कुछ नहीं है, ये दोनों मिसकंसेप्शन है, दोनों रजोगुण है, ठीक है। यूनिवर्सल सोल, ये दोनों मिसकंसेप्शन है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, कोई प्रश्न? अगला श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर लिखा है चेतना और आत्मा दोनों स्थाई होती। क्या लिखा है? चेत, वापिस बोलिए। चेतना शरीर के अंदर चेतना होती है, दोनों एक साथ चलती है, एक साथ ही रहती है। हाँ, जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी। हाँ, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई। तो ये ज्ञान गलत है ना? तो जो हम ये ज्ञान पढ़ रहे हैं ये गलत ज्ञान पढ़ रहे हैं? ये रजोगुनी ज्ञान है ना? ये श्लोक आप फॉलो कर रहे हैं क्या? नहीं, रजोगुनी का ज्ञान है ये। ज्ञान रजोगुन में जब होता है तो आदमी सोचता है कि सब शरीर है, अलग अलग हैं, और अगर चेतना है तो वो मृत्यु में के बाद खत्म हो जाएगी, अस्थाई है, टेम्पररी है। समझ रहे हैं आप रागनों का प्रभु? नहीं, आप पढ़िए वापस उसको। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि इनके हिसाब से चेतना टेम्पररी है। हाँ, इस ज्ञान के अनुसार, असली ज्ञान नहीं, इस ज्ञान के अनुसार, इन मूर्खों के अनुसार। तो मतलब ये जो लिखा है शरीर आत्मा इसके बारे में लिखा? क्या क्या? शरीर स्वयं आत्मा है, इसमें ये लिखा है, और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं। हाँ, ये कौन कह रहा है? जो रजोगुण में रहते हैं, जिनका ज्ञान रजोगुण में होता है, वो ऐसा बात करते हैं। देखे, इतने बुरे हैं कि आप जैसे विद्वान को भी कंफ्यूज कर दिया उन्होंने। ठीक है, प्रभुपाद जी उनको कोट कर रहे हैं कि ये लोग ऐसा सोचते हैं। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे इधर अनुवाद में लिखा है 21 के कि जिस ज्ञान से मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, मतलब कि वो अलग अलग बॉडी को देखता है। जीव को भी हम बॉडी के रूप में लेंगे यहाँ पर ना? जो व्यक्ति हर शरीर को देखता है अलग अलग जीव कि शरीर ही जीव है और वो अलग अलग है। हाँ जी, ठीक। नेक्स्ट। प्रभु जी श्लोक का पढ़े। हाँ जी। यत्तु कृत्सन्वत् एकस्मिन् कार्ये सत्तम अहेतुकम् अतत्तु अर्थवत् अल्पम् च तत्तां संपदाहतम्। तात्पर्य और अनुवासी प्रभाव के द्वारा की, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तात्पर्य, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है,
क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम आनंद सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस ज्ञान से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा बात जन्म ले वह राजसी है और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। हाँ, तो ये तामसिक ज्ञान मतलब जो सिर्फ जानवर की तरह जिंदगी जीते हैं कि मेरा शरीर और उसी को तृप्त रखने के लिए, खुश रखने के लिए, सुविधापूर्वक रखने के लिए मुझे मेहनत करना है, पैसा कमाना है, बस ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग कि खाना खाना है, सोना है, मैथुन करना है, खुद की रक्षा करना है, आराम से रहना है, ये तामसिक ज्ञान है। इसमें न भगवान है, न आत्मा है, न बाकी लोग है, न अच्छे गुण है, न गुरु है, न साधु है, न शास्त्र है, बस साधारण जानवर की तरह जीवन जीते हैं। बस अपने जीवन को 5-स्टार जीवन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये तामसिक ज्ञान है, इसमें न सच्चाई होती है और वो सिर्फ अपने धन कमाने और ऐशो आराम के लिए आसक्त रहते हैं, वैसा ही कार्य करना चाहते हैं और ये बहुत तुच्छ है, जानवर ही है लगभग, बस कपड़े पहने हुए जानवर है। ठीक है, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये तात्पर्य में तो सारा चीज समझ लग गया कि तामसिक ज्ञान क्या है, पर जो अनुवाद में जैसे ये लिखा है, जो मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, मतलब कि जो कार्य बहुत तुच्छ है उसी को सब कुछ मानता है और उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं और उसमें लिप्त रहता है, इसका यही मतलब होगा ना? जो वो कार्य कर रहा है जो कि बहुत तुच्छ है उसी को वो अपना सब कुछ मानकर, ज्ञान तुच्छ है माता जी, ज्ञान तुच्छ है। ओके, ज्ञान तुच्छ है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई प्रश्न? अगला पढ़िए। हरे कृष्ण। राघव कपूर, आपके दो डिवाइस चालू है क्या? कुछ आवाज आ रहा है। ठीक है, पता नहीं किसका आवाज आ रहा है। जो कर्म नियमित है आपका ही आ रहा है, अभी आ रही है, आपको आ रही है? नहीं, धाम से हो प्रभु? ठीक है, पढ़ो। गूंज रहा है आवाज इनका ना? दो डिवाइस चालू है शायद। ठीक है, पढ़िए। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य? तात्पर्य श्री कृपा के द्वारा, श्री कृपा की जय। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों से संस्कृत प्रतिपर कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकार के बिना प्रेम ग्रह भाव रहे परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना व्रत में किए जाते हैं सात्विक कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हाँ,
तो अभी भगवान बताएंगे तीन गुणों में कर्म, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। तो पहले तो सात्विक कर्म का गुण है कि वो रेगुलेटेड होना चाहिए, मतलब अपने समय से होना चाहिए। ऐसा नहीं 24 घंटा कर रहे हैं, बेवक्त कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, अगर रात वाला नहीं है काम तो रेगुलेटेड होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए जीवन में। सिर्फ कम कर्म नहीं करना है, हमें भक्ति भी करना है, परिवार भी देखना है, सेहत का भी ध्यान देना है, आराम भी करना है, नहाना धोना भी है। तो रेगुलेटेड होना चाहिए और आसक्ति नहीं होना चाहिए न फल के प्रति न कर्म के प्रति कि कुछ चाहिए इसके लिए। कर्तव्य के रूप में उस कर्म को करना चाहिए, न लव न द्वेष होना चाहिए, न राग होना चाहिए, न प्रेम होना चाहिए, न द्वेष होना चाहिए, हेट्रेड होना चाहिए कि मेरा नहीं है ये, भगवान ने कहा है मुझे, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। वरना जैसे माँ बच्चे को पालती है या पिता बच्चों के लिए कमाता है, तो ये सात्विक कर्म है जहाँ पर कुछ अपेक्षा नहीं है, कृष्ण के लिए करना चाहिए। कृष्ण ने कहा है वर्णाश्रम धर्म करना, पालन करना, इसके लिए हम कर रहे हैं, खुद के स्वार्थ के लिए या खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण के लिए, कृष्ण की खुशी के लिए। तो ये सात्विक कर्म है, ठीक है। नेक्स्ट करम स अहंकारेन वा पुनः क्रियते बहुल आयासमा तत राजसम उद्धारपनी। इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। तो रजोगुण में करा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत। और मिथ्या अहंकार कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, मैं करने वाला हूँ, वो रजोगुणी। अगला पढ़िए तमोगुण। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। हाँ, तो जो मोह में रहता है, सही गलत का पहचान नहीं होता, अज्ञानी होता है, शास्त्रों के अनुसार नहीं होता है, भविष्य का बंधन होने वाला है या सजा होने वाला है उसका चिंता नहीं रहता है, हिंसा करता है, दूसरों को दुख देता है, हृदय दुखाता है, तकलीफ देता है, वो तामसिक कर्म है कि किसी को भी अकाउंटेबल नहीं है, बस अपने इच्छा को पूरी करने के लिए गैर जिम्मेदारी से विनाश करता है बाकी के सुख सुविधा का या नियमों का या शास्त्र के उल्लंघन करता है और हिंसा करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, दूसरों को दुख देता है, अज्ञान में जो अपना सिर्फ अपने अनुभव से जीवन जीता है कि मेरा अनुभव है कि यह सही है मैं करूँगा, मेरा अनुभव है कि गलत है मैं नहीं करूँगा,
बाकी किसी का ओपिनियन, गुरु साधु शास्त्र का ओपिनियन नहीं मानता है, वो तामसिक कर्म है। ठीक है, ऐसे लोग ज्यादा पाप करते हैं। कोई प्रश्न? नेक्स्ट। उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्ध योनिर्विकारा कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है, उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती क्योंकि वह मित्र अहंकार तथा घमंड से परे होता है। कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है, उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साह पूर्ण रहता है, वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, काम करने वाला कर्ता वर्कर सतोगुण रजोगुण तमोगुण में। तो जो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है तीनों गुणों से परे, बिना आसक्ति के, बिना मिथ्या अहंकार के, और बहुत उत्साह के साथ और डिटरमाइंड कि हाँ मुझे करना है, कितना भी असुविधा हो, इनकन्वीनियंट हो, और सफलता हुआ या असफलता हुआ उसमें उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कर्तव्य करते रहता है। तो भक्तों को ऐसे करना चाहिए कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस भगवान की सेवा है इसके लिए मैं कर रहा हूँ, भगवान का कर्तव्य है, भगवान का धर्म है इसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो वो जो कर्म करता है वो सतोगुण में स्थित है कि सफल हुआ तो बहुत खुश हुआ, असफल हुआ तो बहुत दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि कल वापस काम नहीं कर सके, या इतना सुखी हुआ कि कल वापस काम नहीं कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख दुख दोनों को बैलेंस संभालना चाहिए, सहन करना चाहिए, और कुछ अपेक्षा नहीं होना चाहिए। मेरा जैसे गाय दूध देती है, उसको कुछ अपेक्षा नहीं है कि उसके बदले आप घास देंगे, रोटी देंगे, केला देंगे, फीस देंगे, वो बस दूध देती है। ऐसे ही हमें भगवान को सेवा करना चाहिए, उनको देना चाहिए, और भगवान ने जो कर्तव्य हमें दिए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इनके कर्तव्य होते हैं समाज में, वो कर्तव्य करना चाहिए। इसके बदले हमें क्या मिलेगा उसके लिए नहीं करना चाहिए कि हमें ये मिलेगा तो ही हम करें, ऐसा नहीं। अपना कर्तव्य करना चाहिए, कुछ अपेक्षा नहीं होना चाहिए, और उत्साह से करना चाहिए, ऐसा नहीं सुस्त से जबरदस्ती कर रहे हैं, उत्साह से अपना कर्तव्य करना चाहिए और पूरा करना चाहिए। बीच में दुख आया तो भी अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, फेल हो गए तो भी कर्तव्य करते रहना चाहिए, सफल हुए तो भी कर्तव्य करते रहना चाहिए। ये सात्विक कार्य कर्म करने वाला है। ओके, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। ये सात्विक खर्च के बारे में कर्ता के बारे में पता है, भगवान कह रहे हैं इस समय तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब सुख में मन प्रसन्न रहता है, दुख में थोड़ा सा जैसे सफलता नहीं मिलती तो आदमी थोड़ा मतलब डिप्रेस्ड हो जाता है, जनरली सब होता ही रहता है। तो ये सब फिर सतगुण का भाव कब आएगा भक्ति में रहेगी? तो ये भक्ति करते करते एक दिन आ जाएगा, इसके लिए मेहनत तो स्ट्रगल तो करना है, आसान नहीं है। सही बोल रहे हैं आप, विरले को आता है,
सम बुद्धि सम हो, मात्र स्पर्श अष्ट कौनते शीतोष्ण सुख दुख दा, कि सुख और दुख में भी फर्क नहीं पड़े, जैसे सर्दी और गर्मी में अपना कर्तव्य करता है व्यक्ति। तो ये तभी होता है जब भगवान में रुचि बढ़ता है, भगवान में इतना रुचि होता है कि भौतिक सफलता असफलता में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मालूम है भगवान से मिलना है। जैसे कोई लड़का लड़की को बहुत आसक्त है और उसे मिलने जा रहा है, और वो लड़की नर्स है हॉस्पिटल में, और उसका एक्सीडेंट होता है और उसी हॉस्पिटल में उसका दाखिला होता है और उसे मिलता है, तो वो खुश हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं हॉस्पिटल में मिल रहा हूँ या बगीचे में मिल रहा हूँ, मिल तो रहा हूँ मैं उससे, इतना आसक्त है। उसी तरह हम कर्तव्य करते हैं कृष्णा के लिए करते हैं, आखिरी में कृष्णा प्राप्त होने वाले हैं, फिर सफल हो असफल हो कृष्णा मिलने वाले हैं। तो ये भगवान के प्रति जब आसक्ति बढ़ जाती है तो ऐसा होता है, जब फल के प्रति आसक्ति होती है तो राजसिक कर्म होता है, फिर हम फल के हिसाब से सुख दुख होता है। जब भगवान के प्रति आसक्ति होती है तो भगवान के हिसाब से सुख दुख होता है। समझ रहे फर्क? बिल्कुल, आप प्रभु जी सही कह रहे हैं। होता क्या है, जिस हम भक्ति में खर्च करने के लिए भी जाते हैं, डोनेशन कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, कभी कभी तो बहुत ही निराश, मतलब 10 आदमी के पास जाते हैं, 10 पे अप्रोच करते हैं, जीरो बट कहते हैं, मतलब रिजल्ट जीरो, उस टाइम में मतलब संभव नहीं रह पाते, स्थिति ऐसी होती। मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ। हाँ, होता है, क्योंकि हम अभी तक उतने ऊंचे उठे नहीं है। मतलब टेम्पल मैनेजमेंट से भी सुनने को मिल गया। वो तो आपको प्रेरणा देने के लिए कहते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान हमारा कोशिश देखते हैं, सिर्फ फल नहीं देखते। और भगवान ने फल नहीं दिया तो मुझे और उनका अच्छा सेवा करना है और चैंटिंग करना है, ये हमें सीखना चाहिए इसमें से। भगवान ने जो किया अच्छा किया। अभी एक बार अर्जुन गए कृष्ण के पास और कहा कृष्ण को कि मुझे सुभद्रा के बारे में बात करना है। सुभद्रा कौन? कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी, तो दोनों जीजा साला है। अभी दामाद जा रहा है साले के पास, मतलब कुछ सीरियस बात होगा ना। बोलता है मुझे सुभद्रा के बारे में बात करना है। तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सुभद्रा का इकलौता बेटा अभिमन्यु, जवान बेटा, आपके सामने मारा गया, और सुभद्रा को मालूम है कि आप उसके भाई हैं और मेरा भाई भगवान है, फिर भी आपने अभिमन्यु को बचाया नहीं। अर्जुन ने कहा उसके बावजूद सुभद्रा का आपके प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। अर्जुन सुभद्रा की प्रशंसा कर रहा है। देखिए, कोई भी साधारण रिश्ते में किसी बहन का जवान बेटा उसके भाई के सामने मारा जाए और भाई मदद नहीं करे, अस्पताल नहीं लेके जाए, साधारण भाई, तो आपको लगता है वो बहन भाई का रिश्ता रहेगा, खत्म हो जाएगा? इधर बहन का भाई कौन है? भगवान, जो जिंदा कर सकता है मरे हुए आदमी को, फिर उसने बचाया नहीं, इकलौते बहन के इकलौते बेटे को नहीं बचाया, फिर भी बहन का प्रेम कम नहीं हुआ कि जो कृष्ण ने किया ठीक किया। तो हमारे साथ जो हुआ कृष्ण ने किया ठीक किया, ऐसा भक्ति करना है हमें। हम अभी वैसे हैं नहीं, लेकिन हम आशा रखना चाहिए कि कृष्ण की कृपा से वैसे हो जाए, कि सक्सेस हो या फेलियर हो, हमारा कृष्ण के प्रति कर्तव्य वैसा ही रहे। पूरा गीता सुनने के बाद जब अभिमन्यु मारा गया तो अर्जुन को दुख हुआ, ऐसा नहीं है दुख नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन वो युद्ध के लिए तैयार था। वो ऐसा नहीं कहा कृष्णा आपने मेरे बेटे को नहीं बचाया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं आपका सेवा क्यों करूं। पहले अर्जुन तो बोल सकते थे ना, गीता सुनने के पहले मैं युद्ध नहीं करना चाहता था, आपने मुझे ज्ञान दिया ताकि मैं युद्ध करूं, क्यों कि आपके लिए करूं, और आप मेरा बेटा ही नहीं बचाया, मैं मरूं चलेगा, मेरा बेटा तो बचाना चाहिए था ना, आप मैं अभी आपका काम क्यों करूं, मैं कल युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ऐसा कह सकते थे कि मैं तो पहले ही युद्ध नहीं करना चाहता था, देखो मेरा बेटा मारा गया और आपके सामने मारा गया, आपने कुछ नहीं किया। अर्जुन दूसरे दिन युद्ध के लिए खड़े हो गए।
कि हमारे जीवन में सफलता असफलता आता है, हम इतने महान नहीं हैं अर्जुन और सुभद्रा की तरह, हमारे मन में आता है दोष, लेकिन फिर हम खड़े हो जाना चाहिए ये सब याद करके, भगवत गीता भागवत पढ़ के, भक्तों से बात करके कि नहीं कल वापस हम सेवा करेंगे, राइट। तो हम पत्थर नहीं हैं और हम महान साधु भी नहीं हैं, हम बीच में हैं, इसलिए हमारे में भावनाएं हैं। पत्थर नहीं है इसके लिए ये सब हो रहा है, कोई बात नहीं, हम कल वापस खड़े हो जाएंगे। भगवान इसका असली सफलता तब है जब भगवान खुश होते हैं, और जब हम कोशिश करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। तो हमें कोशिश करना है। भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, जीतो? नहीं, भगवान ने कहा युद्ध करो। फल नहीं कहा भगवान ने, क्या करो कि फल प्राप्त करो नहीं कहा, जीतो जीतने के लिए नहीं कहा, युद्ध करने के लिए कहा। जीत भगवान ने अर्जुन को दिया। तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन या फंड रेजिंग के लिए आप जाते हैं, वो जो बुक जाता है या फंड मिलता है, वो आपके कार्य के कारण नहीं मिलता है, वो भगवान फल देते हैं जब हमसे प्रसन्न होते हैं। हम तो सिर्फ भगवान की सेवा करेंगे, वही हमारा धर्म है, वही हमारा कर्तव्य है। जब भगवान की इच्छा होगी वो फल भी देंगे। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न या श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, संगत प्रणाम। हरे कृष्णा। पीछे सत्वगुणी व्यक्ति का बताया था कि वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये शुद्ध, ये यहाँ पे सत्वगुणी कर्ता की बात हो रही है कि शुद्ध सत्वगुणी कर्ता की बात हो रही है? वो बताया था श्रद्धा जब सत्वगुण में होता है तो देवी देवताओं की पूजा करता है, वो श्रद्धा का विभाग था। ये कर्ता का विभाग है। तो प्रभु जी, कर्ता मतलब जो है वो शुद्ध सत्वगुणी करता है कि सत्वगुण नहीं? नहीं, सुनिए सुनिए, अगर श्रद्धा सत्वगुण में है और कर्ता सत्वगुण में है तो वो देवी देवता का पूजा करेगा और इस गुण के हिसाब से अपना कर्तव्य करेगा। लेकिन अगर वो भक्त है और सत्वगुण में करता है तो वो कृष्ण के लिए इस हिसाब से कर्तव्य करेगा। अगर श्रद्धा रजोगुण है और कर्ता सत्वगुण में है, जो जनरली होता नहीं है, तो वो असुरों की पूजा करेगा और इस प्रकार से कर्तव्य करेगा अपना। समझ रहे हैं प्रभु जी? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, लेकिन इन थ्योरी ये ऑप्शंस हैं, जनरली ऐसा नहीं है पॉसिबल। मैं माता जी को समझाने के बता रहा हूँ कि हो सकता है परमानेंट ऐसा नहीं हो पूरा लाइफस्टाइल, लेकिन कुछ समय के लिए कोई भटक जाए और श्रद्धा रजोगुण तमोगुण में चले जाए। होता है कोई लोग भूतों के तरफ विश्वास हो जाता है, लेकिन बाकी अच्छा कार्य करते हैं, बाकी अपना कर्तव्य अच्छा करते हैं, लेकिन भूत प्रेत को मानते हैं, टेम्पररीली हो जाता है उनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी के टाइम में एक ऐसा इंस्टेंस आया था कि एक विदेशी भक्त थे जो बुक्स मतलब बांटते थे लेकिन नशा करते थे, तो उनको किसी भक्त ने कंप्लेन की कि भाई आप जो है इनको क्यों अपने साथ में रख रहे हो, तो सारे नशा करते हैं ये, तो बोले वो कि ये आपसे अच्छे हैं क्योंकि ये बुक्स भी बांट रहे हैं, ठीक है नशा कर रहे हैं, धीरे धीरे नशा छूट जाएगा, लेकिन ये बुक्स बांट रहे हैं, आपसे ज्यादा बेटर है। तो ये दोनों चीज एक साथ चल रही है कि किताब भी बांट रहा है, सत्वगुणी कार्य भी कर रहा है, लेकिन नशा भी कर रहा है, तमोगुणी कार्य भी कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों चीज एक साथ कैसे चल रही है? नहीं, ये तो कुछ समय के लिए चल रही है ना, परमानेंटली नहीं चल रही है ना। देखिए, किसी का बुरी आदत है और वो छोड़ नहीं सकता, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि भक्ति मत करो, भक्ति करो बुरी आदत छूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा।
बाकी भक्त लोग म्यूट कीजिए, आवाज आ रहा है। जैसे कई तीर्थ स्थल में भी देखते हैं, हाँ, सेफ्रन ड्रेस में भी बाबा लोग वगैरह होते हैं, तारे बड़े बड़े होते हैं और तिलक वगैरह धारण किए होते हैं। इन्होंने लोग भी चाय पीते हैं, चाय पीते हुए देखते हैं, चाय कुछ तम्बाकू वगैरह मतलब क्या खाते हैं, तो उनको उनका डेवलपमेंट कब मतलब डेवलप स्थिति में है, बाद में जाके डेवलपमेंट होगा स्थिति उन लोगों की अच्छी है। देखिए कोई गलत आदत है किसी की और वो भक्ति में आया और गलत आदत छूटने में टाइम लग रहा है, भक्ति से छूट जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन कोई सैफरन ड्रेस पहना है, बाबा जी का ड्रेस पहना है और भक्ति जीवन में आ चुका है, त्याग कर चुका है संसार का और फिर बीड़ी पी रहा है, चाय पी रहा है, ये पी रहा है, इसका मतलब पाखंडी या ढोंगी है, वो ठीक नहीं है। ईमानदारी से भक्ति करना चाहिए, अपने आश्रम या अपने वर्ण से ढोंग नहीं करना चाहिए। अंदर इंद्र तृप्ति की कामना है, बाहर से त्यागी जीवन जी रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब प्रभु जी लेकिन वो धाम में है, लेकिन तो वही है ना, तो ढोंग है ना वो। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि धाम में तो कैसे भी हो जो भी हो हमें उनका पूरा मतलब दान देना चाहिए उनको, ऐसा क्या देना चाहिए? दान, दान प्रभु। नहीं ऐसा अभी तो हम पढ़े ना, तीनों दान के तीन प्रकार पढ़े ना, सही जगह सही वक्त सही पात्र और सही एटीट्यूड, तो ऐसा नहीं है। आपके दान से वो बीड़ी, आपके दान से वो बीड़ी पिएगा आपको खुशी खुशी होगा क्या? तो डायरेक्ट बीड़ी खरीद के दो ना उसको। हाँ जी, देंगे बीड़ी खरीद के। नहीं प्रभु, नहीं मुझे लगा कि लेकिन बोलेंगे देखिए, लेकिन आप उनको बोलेंगे कि देखिए मैं बीड़ी खरीद तो नहीं सकता हूँ, आप खरीद लेना, पैसे ले लो, दोनों वही हुआ। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। नहीं बोले ना, म्यूट हो गया आपका। धाम वगैरह में जाते हैं तो मतलब वैष्णव प्लेस में सारे बैठे होते मांगने के लिए, और वैष्णव होते भी क्योंकि राधा कुंड गोवर्धन वृंदावन उसमें तो परमिशन इस जनरल सोल को तो मिल ही नहीं सकता था, तो दे और मतलब हम जिस हिसाब से ज्ञान मिलता है सब आपको बताना चाह रहा था, तो सारे आध्यात्मिक आत्माएं हैं और देवता उनको एक मिनट में लड़ जाते हैं, जिसमें कई बार राधा कुंड में देखा है ना, जाते जाते तो एक मिनट में आपस में उथम गुथा भी होकर लड़े होगी, क्या उस केस में जो वहाँ जो बैठे उनको डोनेट करना चाहिए क्या? कभी कभी इसलिए नहीं दिया, वो अंधा भी है ये भी है और तो उसको 10 रुपया दे देते तो क्या दिक्कत, बट इधर मतलब लॉ ये कहता नहीं, यदि वो कुछ उस 10 रुपये का यूज करेगा तो सारा गलत यूज करेगा तो आपके ऊपर पड़ेगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं तो धाम में भी जो बैठे हैं अगर वो मिसयूज करेंगे तो आपको पाप ज्यादा लगेगा, क्योंकि धाम में मिसयूज किया है तो पाप ज्यादा लगता है देने वाले। हाँ दोनों को, इसके लिए आप उधर जाकर उनको भोजन प्रसाद खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, राइट, और अगर आप उनको जानते हैं कि वो ईमानदारी से यूज करेंगे तो आप धन भी दे सकते हैं या फ्री भोजनालय चालू कर सकते हैं, उन सब साधुओं को बोल सकते हैं आज का भोजन हमारे तरफ से इस जगह पे आ जाना 11 बजे सबको खिला देना, कोई बात नहीं। तो हमें सेवा करना चाहिए लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए तो गीता का ज्ञान है कि दान सतोगुण में रजोगुण में तमोगुण में है, सही पात्र सही रिस्पेक्ट सही एटीट्यूड सही जगह सही तरीके से होना चाहिए। आंख बंद करके दान करना उसको दान नहीं कहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो फिर ये ज्ञान क्यों दिया गया? और धाम के नाम पर जैसे मैंने पिछले कहा था, डू नॉट जज बाय ड्रेस एंड बाय एड्रेस, किसी का ड्रेस सैफरन है या किसी का एड्रेस वृंदावन है या हरिद्वार है या इस्कॉन है या गौड़िया मठ है, उसे नहीं पता चलता है वो कौन है, ड्रेस और एड्रेस से नहीं पता चलता है। हजारों श्लोक हैं शास्त्रों में साधु के गुण के बारे में, क्यों है? एक साधु को ड्रेस और एड्रेस से नहीं जाना जाता है, गुणों से जाना जाता है।
हाँ वो धाम में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हम उनको आदर करते हैं। हम जाके सुधार नहीं कर सकते उनका, हमको दोष भी नहीं देखना है, हमको आदर करना है और अपना भक्ति करना है। जगदानंद पंडित जब वृंदावन जाना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु ने हजार बार रोका उनको कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, आके झगड़ा हो गया उनका। फिर उन्होंने बोला ठीक है 3 दिन जाओ, ब्रजवासियों से मिलना नहीं, बस सनातन गोस्वामी से मिलकर आ जाना वापस, ज़्यादा दिन नहीं रुकना, क्योंकि ब्रजवासी जिस प्रकार से भक्ति करते हैं आप देखेंगे तो आपको नहीं जमेगा, इसलिए आप उनसे दूर रहना, राइट। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर लिखते हैं कि आप वृंदावन जाओ, उधर के भक्तों से मिक्स नहीं होना, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे वो कैसे भक्ति कर रहे हैं। फिर जहाँ पर दोष नहीं है वहाँ पर दोष दिखेंगे, जहाँ पर है वहाँ पर भावुक हो जाएंगे हम। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था बनाई वृंदावन में, कृष्ण बलराम मंदिर, कि भक्तों के संग में भक्ति करना, तो उनके गाइडेंस में, शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में भक्ति करना चाहिए, ठीक है। किसी को 1 घंटा या 1 दिन देखा, उससे नहीं हम नहीं पहचान सकते उनका भक्ति का भाव कैसा है, उनका रोज का दिनचर्या से पता चलता है उनमें क्या गुण है और क्या उनके भक्ति का है। हम जाते हैं साल में 1-2 बार या 3 बार और उस व्यक्ति को मिलते हैं 1 घंटा 2 घंटा, बाकी प्राइवेट में वो क्या कर रहा है हमको मालूम नहीं, राइट। उसे पहचान नहीं होता है किसी के भक्ति का। दोनों होता है ना, दोनों होता है, कृष्ण का कृपा होता है और कुछ इम्बैलेंस भी होता है। यही तो, और प्लस धाम में रहना भी बड़ी बात है। वो धाम में रह रहे हैं कि माया में रह रहे हैं, धाम के ऊपर माया की परत होती है, धाम के ऊपर माया की परत होती है, धाम तो चिंतामणि होता है, ये तो साधक है ना, वो माया में, धाम में रह के भी माया में रह सकते हैं आप। कितने लोग हैं जो भगवान का डीटी होता है मंदिर में और बैठकर तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं और पुजारी हैं डीटी के, पूरे दांत काले पड़े हैं उनके, तो वो दुरुपयोग करते हैं। नहीं, तो हमें कुछ लेके जाना चाहिए, खाने का सामान उनको देना चाहिए, खाने का सामान प्रभु जी नहीं लेते, या कुछ कॉइन्स लेके जाना चाहिए, नहीं तो दूर रहना चाहिए, बस कोई बात नहीं, राइट। क्यों नहीं लेते हैं खाने का सामान? क्योंकि उनको पैसे यूज करना है बीड़ी खरीदने के लिए, क्या मतलब है उसका, ये सब एंकरेज करना अच्छी बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, हरे कृष्णा बोल के आगे जा सकते हैं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो छोटे बच्चे बहुत मांगने के लिए आ जाते हैं, उनको भी दे ना दे। हाँ उनको, मैं तो बहुत सारा चॉकलेट पेन बिस्किट लेके जाता हूँ, वो पैसे मांगते हैं, पैसे दे दो हमें, पैसे दे दो, उनका कुछ खरीदने का इच्छा होता है। नहीं तो उनको मैं सामने के दुकान में लेके जाता हूँ, क्या चाहिए बताओ खाने का सामान, बैठ के खाओ, कोई लस्सी पीता है कोई नहीं, कई कई बार ऐसा होता है ना कि रास्ते में कोई पड़ता ही नहीं है दुकान, हाँ तो फिर वो बच्चे मांगते हैं, ठीक क्या, हाँ नहीं तो फिर कुछ सामान लेके जा सकते हैं, कपड़े लेके जा सकते हैं, ये वो लेके जा सकते हैं, दे सकते हैं उनको, पैसे नहीं देने चाहिए, नहीं वो भी दे सकते हैं, श्रद्धा के ऊपर है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, दे सकते हैं उनको। ओके वी विल एंड हियर, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज शनिवार है, कल इतवार है, कल हम मिलेंगे 11 बजे सुबह। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको वो हैंडबुक धाम सेवक प्रभु जी ने भेज दी थी क्या, हैंडबुक? अच्छा वो तो बहुत सारे पन्ने हैं, जिस पन्ने का बात कर रहे हैं ना धाम सेवक प्रभु, उसका फोटो भेजिए ना मुझे, इतना सारा पन्ना पढ़ना पड़ेगा मुझे। नहीं प्रभु जी, एनोलॉजी वाला तो एक ही पेज है, एनोलॉजी वाला। हाँ तो उसका फोटो भेजिए मुझे प्रभु जी, मैंने फोटो भेजा हुआ आपको, वो तो पूरा पीडीएफ भेजा ना आपने, नहीं पहले मैंने एक फोटो भेजा था और पीडीएफ भी भेजा था, दोनों भेज दिए। ठीक है देखता हूँ जी जी, ओके सॉरी प्रभु जी, आपको बार बार परेशान कर रही हूँ, क्लियर हो जाए तो अच्छा।
या नहीं नहीं अच्छी बात है, परेशान की बात नहीं है। मैं पूरा दिन मोबाइल पे नहीं रहता हूँ तो मैं देखा नहीं हूँ अभी वो पूरा। मैं उस दिन उसका पेज नंबर 12 है वैसे। मैं कल खोला, मैं बोला इतना बड़ा पीडीएफ क्या देखूं मैं, फिर मेरा सुबह भी क्लास था, दोपहर में भी मीटिंग था। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा, कल बात करेंगे। हाँ ओके, हरे कृष्ण। प्रभु की जय। ओके, फेसबुक पे कोई प्रश्न नहीं है, वी विल एंड, हरे कृष्ण।